कोयले के अवैध तस्करी की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई, कोयले के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी लाला के बारे में भी हमने आपको दिखाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लाला के खिलाफ अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोयला, अगर दुनिया के सबसे काले खेल की बात होगी तो वो खेल कोयले का ही होगा। कोयले का काला खेल जो दिन के उजाले में तो छोटे पैमाने पर चलता है, पर रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर। हमने दिखाया था कि कैसे बंगाल के रानीगंज से अवैध कोयला ट्रकों में भरा जाता है, फिर ये कोयला जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग होते हुए बिहार और यूपी जाता है। हमने ट्रकों के नंबर के साथ दिखाया था कैसे अवैध कोयले की तस्करी होती है, और साथ ही हमने कोयले के खेल से जुड़े कई नामों का पर्दाफाश किया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम था लाला उर्फ अनूप मांझी। लाला एक ऐसा नाम जिसके नाम से शायद कोई FIR तक नहीं थी, पर हमने बकायदा उसकी तस्वीर के साथ उसका कच्चा चिट्ठा खोला, जिसके बाद कोयला माफियाओं में मचा हड़कंप, लाला के सभी ठिकानों पर छापा, CBI और आयकर का छापा, इस्पात दामोदर कंपनी में छापा, शेक्सपियर सरनी कंपनी में भी छापा, 31 गणेश चंद्र एवेन्यू में छापा, सॉल्ट लेक के कार्यालय में भी छापेमारी, सरबड़ी मोड़ के कार्यालय में भी छापेमारी, पुरुलिया स्थित भमोरिया के कार्यालय में भी छापेमारी। ये शुरुआत है, अभी और कच्चे चिट्ठे खुलने हैं, काले खेल का पर्दाफाश होना है, कई सफेद पुरुषों का नाम अभी सामने आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। कोयला का ये काला खेल और इस काले खेल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी बकायदा ट्रकों के नंबर के साथ, साथ ही हमने कई सफेद पुरुषों के नाम दिखाए थे कि जिनके वरद हस्त के तहत ये खेल चल रहा था। पूरे खेल का पर्दाफाश हमने किया और हमने इस पर्दाफाश को किया, नामों को आपके सामने रखा। हमने बताया था कि भले पुलिस की नजर से ये कोयला के तस्कर बच जा रहे हैं, पर न्यूज 11 भारत के कैमरे की नजर से नहीं बचेंगे। और अब देखिए, इस खेल का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उस पर ही शिकंजा कसा जा रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है, चाहे ईडी हो चाहे CBI हो, सब मिल करके आज उन्होंने इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी लाला के सारे प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है। और महावीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधा रुख करेंगे महावीर का। महावीर, इस छापेमारी को हम समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाला वो नाम जिस पर जहां तक मुझे जानकारी है कि एक FIR तक नहीं थी, हमने ही लाला की फोटो तक दिखाई कि भाई यही लाला है, इन्हीं के आशीर्वाद से पूरा खेल चलता है, और अब उस लाला पर शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है, हमारी खबर का ये असर है। महावीर जी, न्यूज 11 भारत की खबर का असर ये हुआ है कि अवैध कोयला तस्करी जो बंगाल से लेकर झारखंड होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, उसका खुलासा हुआ, और उसका असर यह हुआ है कि अब इनकम टैक्स और CBI की टीम ने लाला के कई ठिकानों पे बंगाल में छापेमारी अभियान चलाया है, और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार लाला के जो ठिकानों पर CBI और इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, उसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी जब्त किया गया है, जो आने वाले समय में जो कोल माफिया का जो है वो साम्राज्य चल रहा था उसको नष्टरूप करने के लिए काफी अहम भूमिका निभाएगा। और आपको बता दूं कि एक रिसोर्ट भी बंगाल में लाला का है, वहां पर भी अभी अभी खबर मिली है कि वो छावनी में तब्दील हो चुका है, और वहां भी बड़े पैमाने पे छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूज 11 भारत की खबर दिखाने के बाद जो धनबाद पुलिस ने जो कार्रवाई की और लाला और अल्लाह रखा के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ, उसके बाद CBI और इनकम टैक्स के भी जो अधिकारी है वो उन्होंने इसको काफी गंभीरता से लेते हुए उनके ठिकाने पे छापेमारी शुरू कर दी है। और सबसे अहम बात है कि बंगाल से लेकर झारखंड के कई जीरो से अवैध कोयला जहाँ पहुंचता था, 20 रुपया का नोट जो
दिखाया जाता था। न्यूज 11 भारत ने पुख्ता सबूत के साथ जब उस पूरी खबर को दिखाया, उसके बाद पूरा महकमा सक्रिय हो गया है और लाला अपने बचते बचते इधर से उधर भाग रहा है। लेकिन न्यूज 11 भारत की खबर का ही असर है कि उसके खिलाफ में मामला दर्ज हुआ और अब सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम उसके घर पहुंची है और छापेमारी अभियान कर रही है। लेकिन वो कितना भी छिप जाए, न्यूज 11 की नजर से और कैमरे से वो नहीं छिप सकेगा। आज नहीं तो कल उसका खुलासा भी न्यूज 11 ही सबसे पहले करेगा कि वो कहाँ छिपा हुआ है और उसको कहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया महावीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो महावीर जुड़े हुए थे हमारे साथ फोन लाइन पर, और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि भाई 20 रुपए का खेल चल रहा था, जैसा आप फिल्मों में देखते थे कि भाई 20 रुपए जो हैं वो तस्करों की तरफ से दिखाए जाते थे चेक पोस्ट पर, और जिसके बाद कोयला जो है वो आगे बढ़ता था। 20 रुपए के नोट के इस खेल का हमने पर्दाफाश किया था। धनबाद पुलिस ने जिसके बाद कार्रवाई की थी, निरसा में 5 ट्रक पकड़े गए थे, 2 ट्रक जो हैं वो गोविंदपुर में पकड़े गए थे, तो कई ट्रकों को जब्त किया गया था। जामताड़ा में भी एसडीओ की कार्रवाई हुई थी, जामताड़ा में भी 5 ट्रकों को जब्त किया गया था, जिन सब में अवैध कोयला जो था वो लदा हुआ था। तो अब इंतजार है कि जो बड़े सफेदपोश चेहरे हैं उन चेहरों का खुलासा कब करती है पुलिस। हालांकि फिलहाल अपडेट यही है कि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी के घर पर आयकर विभाग का और सीबीआई का, दोनों का शिकंजा कस गया है।